पूरे मामले में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। शिवसेना नेता नीलम गोरे की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है वो सुनाते हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो फैसले का पूरा के पूरा स्टडी है कि किस तरीके, एक मैं बात आपको भी स्पष्ट कहूंगी कि डांस बार हो ना हो उसमें बहुत बड़ा सवाल था जब ये दोनों सदनों ने कानून बनाया तब कि नाबालिग बच्चियों को उसमें एडल्ट दिखा के रखा जाता है और कई जगह पे अलग अलग तरीके से वो एक्सप्लॉयटेशन की शिकार हो जाती है और उसमें क्रिमिनलाइजेशन भी बहुत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला जो आप कह रहे हैं उसके डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है और क्योंकि सदन का सब कामकाज चल रहा है तो हम इसके बारे में गृहमंत्री आर आर पाटिल जी से अपेक्षा रखेंगे कि राज्य सरकार ने अपना जो नियम कानून बनाए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ठीक तरीके से सब अपना जो कहना है वो रखा है कि नहीं है और उसके लाइट में अब आगे क्या करना है इसके बारे में। अगर सरकार इसके बारे में अगर कुछ कानून बनाना भी चाहती है तो वो भी उसको चैलेंज करने के लिए फिर उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा उसमें ये कहना है कि जल्दी जल्दी डांस बार के आप मेरे आपको एक हाथ जोड़ के मैं एक बहन होने के रिश्ते से सबको विनंती करूंगी चैनल्स को, जैसे आप न्यूज दिखाते हो तो हर जगह पे डांस बार की लड़कियां ही बार बार दिखाने के शॉर्ट्स आप लगाते हो, तो मुझे ये कहना है सिर्फ ये दिखाने के लिए ये फैसले का आप इस्तेमाल मत कीजिए। ये दिख रहा है कि मैम आपको लगता है कि क्या नहीं लगता आपको? इसमें ऐसा है कि अपने जो लॉयर्स थे वो ठीक समय पे गए कि नहीं गए, जाने के बाद में उन्होंने अपना जो कहना है स्टेट का वो उन्होंने ठीक तरीके से रखा है कि नहीं है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के बारे में क्या कहा है और 18 से ऊपर के लड़कियों के बारे में क्या अपेक्षा रखी है और डांस बार का जो डेफिनेशन आपके मन में है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जनरल डांस के बारे में कहा, ये सब स्टडी करने के पहले कुछ इसमें नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं है, इतना ही मेरा कहना है। शिवसेना नेता नीलम गोरे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है पहले उसका स्टडी करें उसके बाद ही शायद इस पर ज्यादा कुछ कहना उचित होगा, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हरी झंडी दिखाई है क्योंकि 70,000 से ज्यादा लोगों के रोजगार का ये सीधे सीधे सवाल था और जिन तर्कों का हवाला देकर बैन लगाया था महाराष्ट्र सरकार ने उन तमाम तर्कों को खारिज कर दिया गया है। हालांकि मंशा जरूर ठीक थी महाराष्ट्र सरकार की लेकिन जो तरीका अख्तियार किया गया उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं था और इसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया था 2006 में उसको कंटिन्यू कर दिया है, यानी कि एक बार फिर से डांस बार अब महाराष्ट्र में गुलजार होंगे। हम आपको दिखा भी रहे हैं डांस बार को हरी झंडी दिखाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में इस पर रोक लगा दी थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 में रोक हटाने का आदेश दिया था और उसके तुरंत बाद जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश आया महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इतने सालों की सुनवाई के बाद आज वो अहम दिन जिसके ऊपर सभी की निगाह लगी रहने वाली थी। बहरहाल इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता सुधीर मानकेश्वर की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में जब सरकार की ओर से डांस बार बंदी का निर्णय किया गया था महाराष्ट्र विधानसभा एक सुर में पूरी की पूरी इस निर्णय के साथ रही है, सभी पार्टी के नेताओं ने इसका स्वागत किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय महाराष्ट्र विधानसभा के भावना के अनुकूल नहीं है, जो तर्क दिया जा रहा है कि 72,000 डांस बार में काम करने वाली डांस करने वाले महिलाओं पर अन्याय हुआ, ये तर्क गलत है। अगर ऐसा काम करते समय यह देखा नहीं जाएगा कि कुछ नौजवान बच्चे डांस बार में जाके महात्मा गांधी के फोटो जिस नोट पर है वो उनपे उड़ाते हैं फेंकते हैं और यहां से अगर हमारी संस्कृति के बारे में अगर कुछ समस्याएं निर्माण होती है तो सरकार ने जो निर्णय किया वो सही था। ये डांस बार में काम करने वाले महिलाओं के लिए सरकार ने पुनर्वसन की बात कही थी, रोजगार योजना पे उनको भेजने की बात कही थी, टेक्निकल प्रशिक्षण आईटीआई के मार्फत से देने की बात कही थी, मगर जो तर्क दिया जा रहा है कि डांस बार में काम करने वाली महिलाएं बेरोजगार होने के बाद वो सेक्स वर्कर बनती है, मुझे लगता है कि देश के संस्कृति के खिलाफ की बात है। रानी पद्मिनी ने जो है किया अपने चरित्र के लिए, मुझे लगता है कि ये रानी पद्मिनी का देश है, चरित्र इतना आसान नहीं है कि कोई महिला। एक तरह की राजनीति भी शुरू हो गई है।